कटिहार के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरा टोला कदवा में शुक्रवार की देर रात पति ने मिलकर अपने ही पत्नी गर्भवती को बेरहमी से पिटाई कर सर फोड़ दिया। मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में छोड़ दिए जाने के बाद जख्मी महिला किसी तरह जान बचाकर शनिवार को अहले सुबह कदवा थाने पहुंचकर लिखित आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थाने पहुंची पीड़ित ने पुलिस को बताया कि विगत 16 दिसंबर 2019 को पकरा टोला कदवा निवासी गाजो सिंह के पुत्र रवीन कुमार से मेरी शादी हुई थी। दहेज में रवीन को मिली मोटरसाइकिल जो अभी खराब पड़ी हुई है, गौरव वर्कशॉप में पड़ी हुई है। उस मोटरसाइकिल को ठीक कराने मेरे पति बार बार पैसा मांग रहे थे, नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए घर से भागने लगे। जब नहीं भागी तो पति ने सभी परिवार के साथ मिलकर जान मारने की नीयत से लाठी डंडे बरसाने लगे और मुझे बेहोश कर दिया। बेहोशी हालत में ही ससुर गाजो सिंह ने साड़ी खींचकर मुझे अर्धनग्न कर दिया, तो वहीं पति रवि कुमार ने हसुआ लेकर आया और मेरा बाल पकड़कर घसीटते हुए घर वालों को बोला, चलो इसे काटकर कोशी नदी में फेंक आते हैं, जहां बचने के दौरान मेरा सर फोड़कर जख्मी कर दिया गया। इसी बीच हल्ला सुनकर कुछ ग्रामीण के जुट जाने पर मेरी जान बची। साथ ही महिला ने बताया कि बीते दिन पहले भी मारकर मेरा सर जख्मी कर दिया गया था, जिसका निशान अभी तक है। 4-5 महीने से लगातार ससुराल वाले मारपीट करते आ रहे हैं। मारपीट से मेरा पहले भी गर्भपात हुआ था, पुनः ससुराल वाले गर्भपात कराने का दबाव बना रहे हैं। उक्त महिला से हुई मारपीट को लेकर गांव में यह भी चर्चा हो रही है कि करीब 6 महीने से पति पत्नी में अनबन चल रही है। पति को शक है कि महिला किसी लड़के से फ़ोन पर बातचीत करती है, जिसको लेकर पहले भी मारपीट के दौरान मोबाइल वगैरह पकड़े जाने पर फोड़ दिए गए थे। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि घायल महिला ने अपने पति रवीन कुमार, ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार व ननद आशमानी कुमारी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दर्ज किया है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। क्या? नीतू कुमारी। पति का? रवीन कुमार। कैसे कैसे हुआ है मारपीट? मारपीट हमसे पैसा मांग रहा था, पापा के पास पैसा ला। कौन चीज का पैसा मांग रहा था? गाड़ी खराब हुआ था और बोल रहा था पैसा ला, नए पैसा लगे तो रोजे मारेंगे, रोजे गंजन करेंगे। तो गाड़ी के बाद और कौन चीज का पैसा मांग रहा था? रोजे मारता है, बोलता अच्छा नया तुमको न रखेंगे। क्या सब मिल के मारपीट किया? सास ससुर नना देवर दूल्हा सब मिल के मारता हमको, घर का पूरा फैमिली। क्या कह रहा था? घर का पूरा फैमिली मिल के मारता हमको। ठीक। घर से भगाता है? खाने पीने के लिए नहीं देता है। क्या कह के घर से भगाता है? अच्छा नया नया रखेंगे। कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी 16 दिसंबर को हुआ। 16 दिसंबर 2020 2019 में हुआ था। 2019 में।